अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में फर्स्ट डे एट कॉलेज इस एसे से रिलेटेड मैं तमाम तर कोटेशंस करवाऊंगी। तो ये कोटेशंस जो हैं अगर आप इस एसे की कर लेंगे फर्स्ट डे एट कॉलेज तो इसके अंदर ये तमाम तर ऐसे कवर हो जाएंगे। ये तीन ऐसे इसके अलावा और भी हैं जो कोटेशंस आप इजीली इन ऐसों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें भी लिख सकते हैं। पहला ऐसे जो है ये फर्स्ट डे एट कॉलेज। ऐसे नंबर टू है लास्ट डे एट कॉलेज। तो फर्स्ट डे लास्ट डे इससे में जितनी भी कोटेशंस आएंगी जो भी ऐसे आ जाए तो एक जैसी कोटेशंस लिख सकते हैं। इसके बाद है प्लेयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ। तो प्लेयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ इस ऐसे के अंदर भी यही कोटेशंस लिख सकते हैं जो फर्स्ट डे और लास्ट डे के अंदर कोटेशंस आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन कोटेशंस को। सबसे पहली जो कोटेशन है ये है टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर बाय माई सेल्फ। तो ये पहली कोटेशन आ गई है, बड़ी आसान सी सिंपल सी कोटेशन है। इसके बाद है कोटेशन नंबर टू। कोटेशन नंबर टू है अ कॉलेज इज़ अ प्लेस ऑफ लाइट ऑफ लिबर्टी एंड ऑफ लर्निंग। LIBERTY ये लिबर्टी लिखा हुआ है और यहाँ पे है लर्निंग। तो ये कोटेशन नंबर टू है, ये भी बड़ी आसान सी कोटेशन है। इसके बाद है कोटेशन नंबर थ्री। हैप्पीनेस इज एन ओकेशनल OCCASIONAL ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो ये थर्ड कोटेशन आ गई है। इसके बाद कोटेशन नंबर फोर। कोटेशन नंबर फोर है एजुकेशन इज अ बेटर सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी देन आ स्टैंडिंग आर्मी। तो अगर आपके पास एजुकेशन है तो जिस तरह आर्मी स्ट्रोंग है आप भी स्ट्रोंग बन सकते हैं। इसके बाद इस कोटेशन का ये मतलब था। नेक्स्ट है कोटेशन नंबर फाइव। कोटेशन नंबर फाइव है नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। तो कुछ भी चीज़ इस वर्ल्ड में परमानेंट जो है नहीं है, हर चीज़ को चेंज होना रहता है, एक्सेप्ट चेंज। इसके बाद कोटेशन नंबर सिक्स है कॉलेज इज लाइक अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज FOUNTAIN फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड द स्टूडेंट्स आर देयर टू ड्रिंक। इसके बाद कोटेशन नंबर सेवन है कॉलेज इज एन एक्साइटेड हैबिटेट टू यूथ। इसके बाद कोटेशन नंबर एट है अ कॉलेज एजुकेशन शुड इक्विप वन टू एंटरटेन थ्री थिंग्स अ फ्रेंड एन आइडिया एंड वन सेल्फ। इसके बाद कोटेशन नंबर नाइन। तो आसान सी सिंपल सी कोटेशन है नाइन और टेन जो इजीली आप याद कर सकते हैं। देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यह है सब्सिट्यूट SUBSTITUDE। इसके बाद कोटेशन नंबर टेन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस यू आर सपोज टू हार्ड वर्क। कोटेशन नंबर इलेवन है इफ़ यू स्पॉइल योर सेल्फ यू स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसके बाद कोटेशन नंबर 12 है कॉलेजेस आर प्लेसेस वेयर पेबल्स आर पॉलिश्ड एंड डायमंड्स आर डिम्ड DIMMED डिम्ड। जहाँ पत्थरों इसका मतलब ये है इस कोटेशन का कि कॉलेज में पत्थर जो हैं वो भी पॉलिश्ड हो जाते हैं और डायमंड्स जो होते हैं वो डिम्ड भी हो सकते हैं। ये भी बड़ी आसान सी कोटेशन थी। इसके बाद कोटेशन नंबर 13 है सीनियर्स ऑलवेज अप्रोच जूनियर्स विद एन एयर ऑफ सुपीरियरिटी। तो इसके बाद कोटेशन नंबर 14 होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इट ड्रीम्स ट्राई लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड डैट कैन नॉट फ्लाई। इसके बाद लास्ट डे में ये कुछ कोटेशन आ सकती हैं जिनको फर्स्ट डे में भी लिखा जा सकता है। कोटेशन नंबर 15 व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ कॉलेज लाइफ इज़। इसके बाद कोटेशन नंबर 16 चूँकि है फेयरवेल माई फ्रेंड फेयरवेल माई फोर्स My peace with these, my love with those। इसके बाद कोटेशन नंबर 17 जो कि sometimes you will never know the true value of the moment until it becomes a memory। इसके बाद कोटेशन नंबर 8 days of respite are gadden। ये है GADDEN gadden days। Good memories are lost jewels। तो ये 19 हैं, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टूडेंट्स ये सारी कर सकें, अगर सारी कर लेंगे तो वेल एंड गुड, बट इसमें से कोई सी 10 जो हैं वो आप याद कर लेंगे तो इसमें आपके तीन ऐसे कवर हो सकते हैं। वो ऐसे ये हैं
फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, प्लेयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, तो इन तमाम तरह ऐसों के अंदर ये कोटेशंस आती हैं।